इस वीडियो में हमें यहाँ पर ये जो मात्रा दी हुई है हमारे पास ये ईटे हैं हरे रंग की और यहाँ पर एक ऐसी ईट अगर ये एक को दिखाती है तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस पूरी मात्रा को हमें जो अंक पता है जो कि शून्य एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ हैं इनकी मदद से मैं इस मात्रा को दिखा पाऊँ और जिस तरीके से मैं इसे करने वाली हूँ वो ये है कि मैं इन ईंटों का दस दस का समूह बनाऊंगी और इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कितने समूह आते हैं दस दस के इन ईंटों के और उसके अलावा हमारे पास कितनी ईंटें बच जाती हैं जो कि इस दस के समूह में नहीं आएंगी तो चलिए शुरू करते हैं इन ईंटों को दस दस के समूहों में बांटना या फिर दहाइयों में बांटना तो ये हो गया मेरा एक ईटा ये आया दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो यहाँ तक यहाँ से शुरू हो के यहाँ तक की सभी ईटें ये हो जाती हैं दस ईटें तो मेरे इस समूह में आ गई कुल दस ईंटें फिर यहाँ से अगर हम गिनना शुरू करें तो ये हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो यहाँ तक मेरा दूसरा समूह आ जाता है दस ईंटों का तो अब तक मेरे पास कुल दो समूह हो चुके हैं दस दस ईटों के और हमें दिख रहा है कि और भी समूह बनने वाले हैं तो चलिए गिनती शुरू करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो अब यहाँ तक हमें तीसरा समूह मिल जाता है हमारी दस दस ईंटों का फिर इसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस फिर हमें एक और समूह मिल रहा है यहाँ पे दस ईटों का तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुल चार समूह आ गए हैं एक दो तीन चार समूह आ गए हैं और हर एक समूह में हमारे पास है दस ईटें तो ये मेरा पहला समूह है दस का तो ये हो गई हमारी एक दहाई एक दहाई ये बराबर होती है दस के ये हो गई मेरी दूसरी दहाई ये हो गई मेरी तीसरी दहाई और ये हो गई मेरी चौथी दहाई यहाँ पर तो हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पर हो गई हैं अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ दें तो हमारे पास हो गई हैं कुल मिलाकर चार दहाइयाँ तो हमारी इस संख्या में चार या फिर फोर टेंस हैं यहाँ पर एक समूह ये एक दस या फिर वन टेन के बराबर है इसलिए हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पर फोर टेंस हैं लेकिन हमारी गिनती अभी खत्म नहीं हुई है अभी भी हमारे पास ये दो ईटें बची हुई हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये एक ईट बची रह गई है तो ये एक ईट ये दिखाती है एक को या फिर इसे हम कह सकते हैं इकाई एक इकाई एक को दिखाती है ये और इसी तरीके से एक और ईंट बची हुई है हमारे पास ये जो दूसरी वाली ईट है ये भी ये भी दिखाती है एक इकाई को ही तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुल मिलाकर दो इकाइयाँ या फिर टू वंस बचे हुए हैं ये हो गई दो इकाइयाँ या फिर टू वंस के हमने शुरुआत में कहा था कि एक यहाँ पर ऐसी ईट ये एक को दिखा रही है तो ऐसी क्योंकि हमारे पास दो ईटें बची हैं तो हमारे पास हैं कुल दो इकाइयाँ यहाँ पे तो अब इस पूरी चीज़ को हम क्या कह के बुला सकते हैं अगर हम अपनी संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास है कुल चार दहाइयाँ और चार दहाइयाँ या फिर इन फोर टेंस के अलावा हमारे पास हैं कुल दो इकाइयाँ तो अगर हम इन दोनों बातों को आपस में जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो ईटों की मात्रा है ये हमें क्या दिखाती है तो जैसे कि हम जानते हैं जैसे कि हम अपने नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करके लिखते हैं हमें मालूम है कि हमारा जो इकाई वाला स्थान होता है हम वहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मेरा इकाई वाला स्थान आता है और इसके बगल में इसके बाई और हम अपने दहाई वाले स्थान को लिखते हैं तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हैं दो इकाइयाँ तो हम इन दो इकाइयों को इस इकाई वाले स्थान पर रख देंगे ये है मेरा इकाई या फिर वंश का प्लेस और इसी तरीके से ये जो स्थान है ये है हमारा दहाई या फिर टेंस वाला प्लेस और हम देख सकते हैं कि हमारे पास हैं चार दहाइयाँ यानी कि हमारे पास हैं चार दहाई और दो इकाई जिसे कि हम बयालीस पढ़ते हैं और इसी बात को सोचने का दूसरा तरीका है कि हमारे पास हैं चार दहाइयाँ तो चार दहाइयों का मतलब है कि हमारे पास चार बार दस या फिर हमारे पास है चालीस और चालीस के अलावा हमारे पास ये दो एक एक चीज़ें हैं यानी कि हमारे पास हैं कुल दो चीज़ें तो अगर हम चालीस और दो को आपस में जोड़ दें तो हमें मिल जाता है बयालीस और यहाँ पर ये सभी बातें इस ईटो की मात्रा को हमें दिखा रही हैं। तो 40 प्लस दो ये हमें कहता है कि हमारे पास चार दहाई और दो इकाई है जो कि 42 को ही दिखाती है